हेलो फ्रेंड्स, ये मिलो अपने फिर से प्यारे प्यारे बच्चों से, चंपक और सुल्तान। आज सुल्तान भैया ना थोड़े से ढीले हो रहे हैं। गर्मी, एक तो गर्मी बहुत है, ये देखो गर्मी बहुत है, और ये देखो ये हमारे कान के बूंदों पे लगी पड़ी हैं। पहले तो कान पर ही आकर बैठेंगी, फिर हमारे कान के बूंदों को भी खाएंगी। ये देखो बस, पता नहीं इनके कान के बूंदों में क्या मिलता है। हाँ, अब ये देखो, आज हमारे सुल्तान को कुछ एलर्जी हो रही है। इसको यहाँ पर भी इसको एलर्जी है, ये चोट सी, ये गर्मी टाइप से कुछ। तो मैं ना इसको स्पेशली नारियल का तेल, कपूर और गंधक मिला के खाना दे रही हूँ। ये देखो, ये हैं हमारे सुल्तान मियाँ। हाँ, थोड़े ढीले हैं तो इनको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा देते हैं हम लोग। कोकोनट ऑयल लगेगा तो इसको थोड़ा सा गर्मी से छुट्टी लगवा लेंगे। ये देखो, ये इसकी एलर्जी हो रखी है। तो फीवर हुआ था, बहुत तेज फीवर था शायद, मैंने तो लग रहा था ये बचेगा भी नहीं, लेकिन ये फिर भी सरवाइव कर गया। इतना फीवर हुआ था इसको कि इसकी ये पूरा इसका ये पूरा माउथ रेड, और इसकी पूरी स्किन रेड रेड, ड्राई ड्राई। वो तो ये इंडियन है इसलिए इतना बियर कर गया हर चीज़ को, अदरवाइज तो कोई वैसी ब्रीड होती तो वो शायद सरवाइव ना कर पाती। अब ये देखो, ये है चंपक दीदी। आओ भाई, आ जाओ। ओ, गुस्सा क्यों करती हो इतना? आ जाओ 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 आ जाओ, कट्टू मत करो। आओ, लड़ती है नीचे उतरने के लिए तो पूरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और काम कम 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 कम, बस कान के बूंदे चाहिए इन्हें मैडम को। देखो हाँ, जब इसका ये फीवर था तो मैं जल्दबाजी में इसकी आपको ट्रीटमेंट नहीं बता पाई थी। आज का हमारा मेन टॉपिक वैसे इसके ट्रीटमेंट का है। देखो, काफ़ी इसका फीवर सही हो गया है, बट आज मेरे को इसकी आँख में फिर से प्रॉब्लम लगी। इसने जो आज खाना खा रही थी तो फिर से इसकी आँखों में से पानी बह रहा था, तो कल फिर इसकी दवाई अगेन लेके आऊँगी। वैसे मैं इसका कंटिन्यू बोरिक एसिड के पानी से इसके आँख को धो रही हूँ बीच बीच में, लेकिन अब ये इतनी चुलबुली सी हो गई है कि कई बार नहीं भी कराती है सफाई। और इसके आसपास की जो लेयर है आँख की, जहाँ इसको इन्फेक्शन हुआ था, वो लेयर इसीलिए निकल गई है क्योंकि इसको इन्फेक्शन था। तो अभी मैं इसको एलोवेरा का जो जेल है वो भी अप्लाई कर रही हूँ इसकी आईज़ के आसपास, और थोड़ा सा नारियल का तेल वगैरह भी लगा रही हूँ। कल ये नहाई भी थी दीदी, नहाई थी, ऐसे खारिश करती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं इसके फीदर की वजह से इंजरी थी, जो इसको जख्म था उसकी वजह से मैं इसको नहीं नहला रही थी। बताओ, मम्मी की है बेटी, रानी बेटी है अब तो, फ्रेंडली हो गई अब बहुत ज़्यादा। हाँ देखो, तो इसका जो ट्रीटमेंट था वो हमने ऐसे किया था कि हम पहले मैं इसको सेवलोन के पानी में धोती हूँ इसके इसको पंख को, हाँ, फिर इसके ऊपर कॉटन नहीं लगाती मैं, वो पट्टी होती है कॉटन वाली पट्टी, उस पर बीटाडीन वाली पट्टी लगाती हूँ, बीटाडीन वाली पट्टी लगाती हूँ। अगर मैं कॉटन लेती हूँ तो नियोसिन पाउडर इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ जिससे इसकी पट्टी चिपके ना, अदरवाइज तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को फिर से इंजर्ड कर लेगी, चिपक जाती है ना पट्टी इसकी विदाउट पाउडर, तो फिर ये ना अपने पंखों को खुरचती रहती है। तो फिर इस तरीके से मैं इसको विटाडीन लगा के और इसका ट्रीटमेंट मैं करती हूँ, और अब तो ठीक है। वैसे इसका लगाने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसका फीदर कितने अच्छे से सही हो रहे हैं, अब ये नहाती भी है, हल्दी वाले पानी से मैं इसको नहलाती हूँ बीच बीच में। ये इसका फीदर अब यहाँ पर, ये देखो कितनी बहुत, तब तो बहुत ज़्यादा चोट था तो मैं जल्दबाजी में
क्योंकि ये भी नहीं करवाना पसंद करती थी, तो खा जाती थी चीज़ों को, तो मैं इसलिए आपको ये सारा इसका ट्रीटमेंट नहीं बता पाई थी। तो फिर से एक बार बता देती हूँ, सेवलोन के पानी से अगर कोई इंजर्ड